एडवांस साल के एंड में कितना एडवांस दिया, तो एडवांस एट एंड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, लेट से मैं बोलू साल के एडवांस एट एंड था तुम्हारे पास 5,000, ये भी ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चीज समझ, जितनी स्टेशनरी ले जाए क्या पूरी यूज कर ली, ऐसे मेरे पास अगर 50 पेन पड़े हुए तो क्या मैंने 50 पेन यूज कर ली, 15 डस्टर पड़े हैं तो क्या 15 डस्टर पूरे यूज कर ली, नहीं बेटा कुछ यूज, कुछ साल के स्टार्टिंग में पड़े हुए, कुछ साल के एंड में पड़े हुए, जो साल के एंड में पड़े हुए इसका मतलब इस साल तो यूज नहीं हुआ। अगर 31 मार्च को मेरे पास 10 पेन पड़े हुए, 31 मार्च को मेरे पास 15 बोतलें पड़ी हुई है तो क्या वो इस साल यूज हुई, अगले साल यूज होगी, बट ऑब्वियसली बात है अगले साल यूज होगी, तो क्या हो गई क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा ये ध्यान रख, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है माइनस, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक था जो साल के स्टार्टिंग में स्टॉक था वो इस साल यूज हुआ ना, और जो इस साल के एंड में स्टॉक बचा है वो कब यूज होगा अगले साल, इसलिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बेटा प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है माइनस। तो ये तो ध्यान रख ले कि ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, जैसे साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था अपने पास 7,000 का और साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक था मान लिया अपने पास 2,000 का। अब नेट टोटल कर लेते हैं कि इस साल की आपने स्टेशनरी पूरी यूज कितनी करी है। सर इसके जो आंसर आता है वो क्या आता है बेटा, स्टेशनरी स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर, जो इससे तेरा आंसर आता है बेटा वो क्या आता है स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर। तो 42 + 8 कितना हो गया 50, 50 में से 5 गए बचे कितने 45 में 3 प्लस करें कितना हुआ बेटा 48, अगेन 5 माइनस करें 43 प्लस 7 कितना हुआ 50 और माइनस 2 कितना हो गया बेटा 48। तो ये जो तेरा नेट आंसर है ये तेरा कहां जाएगा, ये तेरा जाएगा एक्सपेंडिचर में बेटा। क्या इन सब की सेटिंग बैलेंस शीट में होती है? हां बेटा, क्रेडिटर्स को देना बाकी है। अच्छा क्रेडिटर्स को आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो बेटा, ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, वही आउटस्टैंडिंग एट क्या होता है प्लस, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होगा माइनस, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग अगर माइनस होता है तो एडवांस एट बिगिनिंग क्या होगा प्लस और एडवांस एट एंड क्या होगा माइनस। अगर तेरे को ये समझ में आया तो यहां पे तुम्हारे पास क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग, क्योंकि उनको देना बाकी है वो हमारी क्या है लायबिलिटी, क्रेडिटर्स एट एंड कहां पे आएंगे बेटा यहां पे, उसके बाद एडवांस एट बिगिनिंग। सर एडवांस किस बात का, स्टेशनरी का, स्टेशनरी मतलब खर्चा, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम है तो लेना बाकी है, स्टेशनरी खर्चा है तो देना बाकी है। अगर स्टेशनरी में कुछ एडवांस दे दिया और तेरा एसेट है कि तू उसे माल ले सकता है तो एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग क्या हो जाएगा बेटा ओपनिंग बिगिनिंग प्लस जाएगा, और एडवांस एट एंड, सर एडवांस एट एंड ऑफ व्हाट, एडवांस एट एंड ऑफ स्टेशनरी वो यहां पे आएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बेटा इसके साथ एक चीज और अच्छी समझानी बची हुई है कि कभी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी की जगह, कभी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी की जगह अगर आप ये लिखें क्या स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी वर्ड आ गया परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो बेटा तू तो मेरा सुन के रट देगा सर, सर स्टेशनरी परचेज में क्रेडिटर्स एट एंड प्लस होंगे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है इसका मतलब आपने इन सब का हिसाब किताब कर लिया है, अगर अमाउंट ऑफ स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो इसमें सिर्फ बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस, इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या होगा प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा माइनस, और नेट जो बचेगा वो आ जाएगा स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग ईयर जो भी तेरे पास है। लेट्स से अगर स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर तेरे को बोला 50,000 और तेरे को बोला है ओपनिंग स्टॉक तक 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक तक मान ले 8,000, तो नेट स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर तेरे पास कितनी आ जाएगी 45,000। अब बेटा तू वो मिनट समझ ले, तूने इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड की बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी है। यहाँ पे क्या आता है बेटा बाय सब्सक्रिप्शन, क्या आता है बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बेटा ये हमारी इनकम है, इसमें क्या होगा आउटस्टैंडिंग एट प्लस, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग क्या होगा माइनस, प्रीपेड एट बिगनिंग क्या होगा प्लस, प्रीपेड क्या होगा माइनस। सर क्या ये सब ऐसे कैसे बैलेंस में आते हैं? हाँ बेटा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एसेट एसेट, प्रीपेड प्रीपेड क्या है लायबिलिटी लायबिलिटी, बिगनिंग वाला बिगनिंग में एंड वाला एंड में। बेटा यहाँ पे क्रेडिटर क्रेडिटर बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो, यहाँ के जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ क्या है बेटा आउटस्टैंडिंग, वो क्या है लायबिलिटी लायबिलिटी, और एडवांस क्या है एसेट एसेट, क्योंकि ये खर्चे हैं। परचेज दिया होगा तो ये सब चीजें नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगा प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक।